हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं ज्यादा मैथ और आज इसके अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इससे पहले हमने जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा था, आप इस चैप्टर को लेकर बिल्कुल ही परेशान ना हो, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता है तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे हम पिछले चैप्टर पढ़ते आते हैं, यहाँ पर आपके लिए बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूले को बताता हूँ। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, उसके बाद वन प्लस दर अपॉन कितना 100, और इस पर क्या होता है समय, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम भाई, मिश्रधन क्या हमारा अमाउंट है, बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और वन प्लस आर अपॉन 100, और ये क्या होता है टी, ठीक है, इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बेसिक फॉर्मूला लिखवा दिया, और मैं इससे पहले मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पढ़ा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ ही आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो वैसे फॉर्मूला है, इसे लिख लेना, और अभी हम जो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करूँगा, पहले आपके लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होती क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ से आपको अच्छी तरीके समझ आएगा। जैसे मैंने बोला कि आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए, या फिर मान लो उधार दी गई राशि क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, 1000 रुपये की राशि है, और आपने 10% की दर पर, वार्षिक दर है, 10% वार्षिक दर है, 10% वार्षिक, ठीक है, और समय कितना 2 वर्ष। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखना क्या करेंगे, जैसे 1000 रुपये है, 10% है, और समय कितना 2 साल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना 1 साल का ब्याज कितना आएगा इस 1000 रुपये पर, और 10% से, तो 1000 × 10 × 1/100, भाई साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले वर्ष का दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है बराबर, चाहे उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोले या फिर साधारण ब्याज, दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं। कब, 1 वर्ष के लिए दोनों का ब्याज बराबर आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, यानी उस 1000 पर 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आया, 100 आया। अगर यहीं से हमें पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करते, ब्याज आया 100 रुपये, मुझे 2 साल का निकालना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, यानी कि 200 रुपये ब्याज होता साधारण ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 200 नहीं हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता भाई, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या करेंगे, 1000 पर तो हम ब्याज ले ही रहे हैं, अब आपको 100 रुपये पर भी ब्याज लेना है, या फिर 100 रुपये पर भी ब्याज देना है, यानी 1000 और 100 कितना, अब जो ब्याज लिया जाएगा या दिया जाएगा वो कितने पर, 1100 रुपये पर, और कितना 10% × 1/100, इसे आप सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11 × 10 में करेंगे 110 रुपये ब्याज आया, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया कितना, 110। मैंने 2 साल का पूछा था, पहले साल का 100, दूसरे साल का आया 110, यानी कुल मिला कितना हो गया 210 रुपये ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 200, कंपाउंड कितना आया 210 रुपये, 10 रुपये और एक्स्ट्रा आया। क्यों आया एक्स्ट्रा है, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लिया गया। यहाँ एक चीज़ दे बताना मुझे, पहले साल का ब्याज 100 है, दूसरे साल का ब्याज 110 है, देखो भाई इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लो, ये सारी चीज़ें आपके लिए बता रहा हूँ, भले ही लग रहा हो कि बहुत ईजी है, लेकिन ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है, तो अच्छी तरीके से इन्हें समझ लो। तो मुझे एक चीज़ बताना, पहले साल का ब्याज आया 100, दूसरे साल का ब्याज आया 110, ये 10 रुपये ज़्यादा आया, क्यों आया, क्योंकि भाई इस 100 रुपये पर ब्याज लिया गया, इसकी वजह से 10 रुपये ज़्यादा आया। तो बताना 100 का 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, ऐसे तो निकालूंगा भाई, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा, यही तो 10 ज़्यादा है, तो समझ गए। ब्याज पर भी अगर ब्याज काउंट की जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में हर वर्ष क्या होता है, ब्याज बदलता रहता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष हमारा मूलधन चेंज हो जाता है, मूलधन चेंज होता है, पहले साल में मेरा मूलधन था 1000, दूसरे वर्ष में मेरा मूलधन बन जाएगा 1100, यानी कि जैसे 1 साल का मूलधन
प्लस ब्याज क्या बन जाए, मिश्रधन, वो अगले साल के लिए क्या बनता है, मूलधन बन जाता है। ठीक है, कोई भी मिश्रधन है और वो अगले साल के लिए क्या बनता है, मूलधन बनता है। तो इन चीज़ों को सारों को भाई ध्यान रखना, नोट करके चलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ आ गई आपको। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है भाई, ब्याज पर भी ब्याज ली जाए। ठीक है, ये था हमारा एक एग्जाम्पल, और जो चीज़ें होंगी साथ साथ मैं आपके लिए बता चलूँगा क्वेश्चन के साथ। तो अब मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर पहला ही लेता हूँ, जो कि आपका टाइप दे रखा है कि साधारण प्रश्न, जो कि मेरे हिसाब से साधारण प्रश्न नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, अलग अलग क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें टाइपबाज नहीं है। टाइपबाज आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं और अलग अलग मेथड से बताऊंगा, पर परेशान ना हो, बिल्कुल रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, 30,000 रुपये पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 अवधि क्या है। अवधि का क्या मतलब, समय पूछ रहा है। 30,000 की राशि है, यानी क्या ये प्रिंसिपल है, मूलधन है तुम्हारा कितना 30,000। उसके बाद इसने दर दे रखी है, रेट वो दे रखा है 7%, और इसके बाद क्या दिया, ब्याज दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना दे रखा है 4,347। ठीक है, 4,347 ये क्या है तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा, समय पूछा, टी क्या पूछा, टी। अच्छा, इसे अभी क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से एक चीज़ देखना, जैसे दर है 7%, इस दर को 7% को भिन्न के रूप में बदलूंगा, इस भिन्न के रूप में बदलूंगा, प्रतिशत को कितना आएगा 7/100। ये तो भाई आप सभी से आता होगा, अगर नहीं आता ध्यान रखना, इस प्रतिशत को हटा करके क्या हो जाता है 1/100 से मल्टीप्लाई, कितना 1/100, तो 7 में 1/100 से गुणा करेंगे क्या आएगा 7/100। अब ये जो वैल्यू आई आपकी, ये क्या है, ब्याज है, ये क्या है आपकी ब्याज है, और ये नीचे वाला क्या है, मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल। क्यों हम कैसे कहते कि ये ब्याज है ये मूलधन, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, ब्याज और मूलधन भाई देखो एक ही चीज़ आपको क्लियर करके चलूंगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ये ब्याज है क्यों मूलधन है, क्योंकि इस 7% बराबर में 7/100 किया। ठीक है, अगर आप निकालेंगे ये जो ऊपर वाली जो संख्या है 7, इस 100 का 7% है, और मैंने यही तो बोला 7% वार्षिक दर से, यानी ये 7% है और नीचे वाला आपका 100% है। आप कोई सा भी परसेंट अगर चेंज करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वही होती है जिस परसेंट को हम चेंज करते हैं। जैसे मैं बोलूं 12 सही 1/2%, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परेशान हो, उसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 12 सही 1/2, इसे चेंज करूंगा, ये आएगा 1/8। ये जो एक है ये 8 का 12 सही 1/2%, यानी ऊपर वाला 12 सही 1/2% है और नीचे वाले हमेशा क्या होती है 100%, यानी ये आपका 100% है और एक क्या 7%, यानी इसने यही तो बोला 7% वार्षिक ब्याज है। तो इस वजह से मैंने बोला ये ब्याज है और ये क्या मूलधन, 100% हुआ मूलधन और ये होगी ब्याज। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई होगी। क्यों समझाया भाई, ये तो पता है मुझे भाई कि जोड़ते हैं, पर क्यों जोड़ते हैं ये समझ आ गया अब आपको। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से क्या क्या निकलेगा, मूलधन निकला है, ब्याज निकला है, यहाँ से एक चीज़ और निकल सकती है क्या, अगर मुझे मूलधन और ब्याज पता तो मिश्रधन भी पता पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई 100 मूलधन है 7 ब्याज है, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 107। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी भी मूलधन दे रखा हो, दर दे रखी हो, और फिर उसको चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन, दोनों में से कोई एक हो, चक्रवृद्धि ब्याज या फिर मिश्रधन, ध्यान से देखना, चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्रधन में से कोई एक हो, और फिर यह हो मूलधन और दर हो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया हो, समय पूछा गया हो, तो आप क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखना, मिश्रधन अपॉन मूलधन या मूलधन अपॉन मिश्रधन, आपकी इच्छा जो करना चाहो करो। वो कहाँ से निकालूंगा, इस दर को चेंज करने के बाद, मैंने इस दर को चेंज करा, मूलधन आया 100 और मिश्रधन आया 107। आपकी इच्छा है चाहे मिश्रधन ऊपर लिखो चाहे मूलधन नीचे लिखो, बस ध्यान रखना, अगर यह मिश्रधन नीचे लिखा है, सॉरी मूलधन नीचे लिखा है, तो इधर सामने भी मूलधन नीचे ही लिखना पड़ेगा, और मूलधन आया आपका कितना 30,000, और मिश्रधन कितना आया भाई, मिश्रधन दे रखा है देखो कहाँ से, मूलधन 30,000 है, ब्याज ये है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा मिश्रधन, और कितना हो जाएगा 30,000, और इसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा 34,347, यही हो जाएगा। क्या पूछा, समय पूछा है, तो आपने जो मूलधन और मिश्रधन जो दर को बदल के निकाला था वहाँ पे क्या लगा देंगे, समय यानी कि टी।
यही तो निकालना मुझे, ठीक, तो मैंने ठीक कर दिया। अब क्या करें, इन दोनों की तुलना कर लो आपस में। अब तुलना तो जब भी होगी जब दोनों का आधार समान हो, तो यहाँ तो भाई आधार समान है नहीं, तो नहीं है तो करो, ये 100 है, ये 100% या तो 100 का स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, फूर बनेगा, कुछ भी बने, पर 100% ये 100 का बनेगा और ऊपर वाला 107 का बनेगा। तो आपको दोनों से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखो वीडियो लंबी हो रही कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो रहा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये देखो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए, जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिखेंगे, ना कि पूरा सॉल्व करेंगे। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से मैंने लिखा है, जब आपको समझ आ जाएगा आप डायरेक्ट इस लाइन को लिखेंगे, ना कि पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन अपन मूलधन, ऊपर समय कर दिया क्योंकि समय मुझे निकालना है, उसका मिश्रधन अपन मूलधन ये कर दिया। मैं क्या बता रहा था, यहाँ से आप दोनों को ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक यहाँ से देख लो, या तो ये 100 का स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, फोर बनेगा, कुछ भी बनेगा, और ऊपर वाला 100% 107 का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से मुझे आसानी से निकाल सकता हूँ कि 100 का स्क्वायर है, क्यूब है, उसी से करूँगा, तो यहाँ से मैं आसानी से निकाल लूँगा। तो अब देखेंगे 100 का तो कुछ भी है नहीं, 100 का कुछ भी नहीं है, देखना अगर मैं 3 से इसे काट दूँ, 3 से काट दूँगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 10,000। अब तो आप कह रहे हो 100 का है, ऊपर वाला मत काटो, ऐसे ही छोड़ दो उसे, हमारा यहीं से निकला है। 100 का क्या है, स्क्वायर है, अगर ये नीचे वाला 100 का स्क्वायर है तो ऊपर वाला 101% 107 का स्क्वायर होगा, कितने का, 107 का, यानी कि 107 बट्टे 100 का स्क्वायर बनेगा। ये वाला ना इसे काटने के बाद, इसे मैं काट नहीं रहा, क्यों, क्यों, मुझे तो यहीं से पता पड़ रहा है, ठीक है। अब देखना दोनों हो गए आधार कैसे एक जैसे, जब दोनों आधार समान है तो घात जो होती है पावर वो आपस में कैसे हो जाती है पावर आपस में कैसे हो जाए बराबर, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2, यही आपका आंसर है, 2 साल, बस कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका सॉल्यूशन सिर्फ कितना है भाई, सिर्फ सॉल्यूशन ये है, ना कि ये है, क्योंकि ये तो मैंने आपके लिए समझा है, इस वजह से इतना लंबा हो गया है, ठीक है, वरना सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, इसके बाद सॉल्यूशन है, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो इससे अलग है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, समय पूछा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे समय नहीं पूछा, क्या पूछा देखना भाई। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए, प्रतिवर्ष के आधार का क्या मतलब है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, चैप्टर चल रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर भी किस तरीके से पहचानते हैं, प्रतिवर्ष की दर पर की जा रही है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 हो जाती है, यानी आपका जो मूलधन है वो कितना है, 8,000 है, और आपका जो मिश्रधन है वो कितना, 8,820 रुपये, और आपका जो समय है वो भी दे रखा है कितना, 2 साल। आपको यहाँ से पूछा भाई दर क्या होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना कैसे, यहाँ मूलधन दिया, मिश्रधन दिया, और समय दे दिया, 3 साल दे दिए, चौथी चीज़ पूछी आपसे दर किस तरीके से करेंगे भाई। देखना जब भी क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीज देता है, दर पूछता है, तो क्या करते हैं, देखना मिश्रधन अपॉन मूलधन, मिश्रधन अपॉन मूलधन, और मिश्रधन कितना भाई, 8,820 अपॉन मूलधन कितना है, 8,000। देखो एक चीज़ ध्यान से, एक एक चीज़ को क्लियर करके चलो, जरूरी नहीं क्वेश्चन के अंदर मिश्रधन नहीं दे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मिश्रधन नहीं दिया था, ब्याज दी थी, लेकिन हम वहाँ से मिश्रधन निकाल तो सकते थे, तो इसी तरीके से यहाँ भी जरूरी नहीं हमेशा मिश्रधन दे, ब्याज भी दे सकता है, तो वहाँ से हम मिश्रधन बना लेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन अपॉन मूलधन ये लिख लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, रूट लगा देना, क्या लगा देना, रूट, इसके बाद जितना भी टाइम है, चाहे 2 साल है, चाहे 3 साल है, चाहे 4 साल है, उसे यहाँ लिख दो, 2 साल है तो 2, इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट है, 3 होता क्या होता, क्यूब रूट होता। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका क्या निकलेगा, मिश्रधन अपॉन मूलधन। अब ये जो नया मिश्रधन मूलधन का जो रेशियो निकलेगा वो कितने, देखना कि 8,000 का वर्गमूल आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए, और कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 400, 2 से हो जाएगा 441, ऊपर वाला 2 से काट दूंगा 441 बनेगा, और 2 से कितना बन जाएगा, 400, ठीक है, ये हो जाएगा 400 2 से काटने के बाद, और ये कितना बन जाएगा, 441। अब ये सॉरी, हाँ रूट तो है ही अभी भी, रूट आप तो ले सकते हैं 441 का वर्गमूल भी, 400 का भी, 441 का वर्गमूल आएगा 21 और 400 का वर्गमूल आएगा 20, ये क्या निकला भाई, मिश्रधन और ये क्या, मूलधन। आपके दिमाग में आ रहा होगा मिश्रधन मूलधन तो पहले भी था, लेकिन ये 2 वर्ष का था। अब ये जो नया मिश्रधन मूलधन का जो अनुपात निकला है वो कब का निकला, 1 वर्ष का निकला, तो ध्यान रखना चाहे वो 3 साल हो, 4 साल हो, चाहे कितना भी टाइम हो, बाद में रूट लेने के बाद जो मेरा नया मिश्रधन मूलधन का अनुपात निकलता है ये कितने समय का निकलता है, 1 वर्ष का। तो
तो मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे क्या निकालना था, दर निकालनी थी। क्या निकालना था, दर। तो दर कैसे निकालती है, ब्याज अपन मूलधन गुणा समय। तो ब्याज बताना कितना आया, 20 मूलधन 21 मिश्रधन है, तो ब्याज कितनी है, एक मिश्रधन माइनस मूलधन अपन मूलधन कितना है, 20 इंटू 100। ठीक है, ऐसे तो निकालता हूँ मैं, इधर सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था, ब्याज अपन मूलधन गुणा समय गुणा 100। आप कह रहे समय तो लिया ही नहीं भाई, समय एक वर्ष है तो एक का गुणा यहाँ करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी कि आर निकला आपका कितना, 5%। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग थे और दोनों ही क्वेश्चन को आप भाई अच्छे क्वेश्चन है और देखो बिल्कुल हार्ड नहीं। इसका सॉल्यूशन कितना है, सिर्फ ये सॉल्यूशन है इसका, ना कि ये पूरा। ठीक है, एक दो और तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही परेशान ना हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 225 और 238.50। देखो ये जो क्वेश्चन है, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके जो समझाया था शुरू में उसी से रिलेटेड है, मैंने बोला था आपको एक काम आएगा। जैसे कोई दो क्रमिक वर्ष, ये नहीं पता कौन से हैं, लेकिन दो लगातार वर्ष हैं, उनका चक्रवृद्धि पहले का है 225 और उसके बाद वाले का है 238.50, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ये पूछ रहा है वार्षिक दर कितनी है। अब एक चीज़ बताइए, साधारण ब्याज में तो प्रत्येक साल का हमारा जो ब्याज होता है बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ऐसा नहीं होता है। पहले कोई दो लगातार वर्ष हैं, कोई से भी हो सकते हैं, उसमें पहले जो साल है वो 225 है, उसके बाद वाला जो अगला साल है उसका 238.50। ये क्यों आया भाई, ये 238.50 क्यों आया भाई, कितना ज़्यादा हो गया देखना, 238.50 माइनस 225, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 13.50। ये इतना ज़्यादा क्यों है भाई, ये बताओ 13.50 क्यों ज़्यादा आया अगले साल का ब्याज, क्योंकि मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, यानी इस 225 पर जो ब्याज लिया गया वो आया 13.50, जिसकी वजह से अगले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बना, कंपाउंड इंटरेस्ट बना, वो बना 238.50। यानी मुझे दर निकालनी है, तो दर कैसे निकालता हूँ भाई, ब्याज अपॉन मूलधन, यानी मुझे ब्याज कितना मिला, 13.50। ये जो ब्याज मिला वो किस पर मिला, ये जो 13.50 जो ब्याज मिला वो किस पर मिला है, वह इसी पे तो मिला है, यानी कि यही तो मूलधन बन जाएगा वो, ये मूलधन नहीं है, लेकिन इस 13.50 के लिए तो मूलधन यही बनेगा। कितना है, 225 मूलधन इंटू 100। इस पॉइंट से आप हटा देंगे, दोनों जीरो खत्म, पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ भी दो जीरो, दोनों खत्म। इस 225 से देखना कितने, 6 5 23, 6 2 12 3 15, 6 2 12 13, सीधा सीधा ये 6 बार कट जाएगा, यानी आर बराबर आएगा 6%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा 5 वर्ष है भाई, 5 वर्ष में हो जाते हैं दोगुनी, तो 20 वर्ष में कितनी, तो आप कह रहे हो इसका 4 गुना कर दो भाई, क्योंकि समय मेरा 4 गुना है तो मेरा जो धन है वो भी 4 गुना हो जाएगा। नहीं भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है कि 12 4 48,000 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में हो रहा है कितना, दोगुना। अब वो पूछ रहा है कि 20 साल में कितना, यानी 12,000 था, तो 5 4 20, 12 4 48, ये गलत है, इस तरीके से नहीं, साधारण ब्याज नहीं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कैसे करेंगे देखना, इसे लिख लेता हूँ मैं, 5 साल में कितना हो रहा, दोगुना, जैसे 12,000 की धनराशि थी और 5 वर्ष में कितना होगा, दुगना, तो 5,000 का दुगना कितना हो जाएगा, 24,000। देखना इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, परेशान ना हो, 12,000 था, 5 साल होगा दुगना, और 12,000 का दुगना कितना होगा, 24,000। इसने पूछा 20 साल में कितना, तो यहाँ से देखना, अगर ये 5 साल में दुगना है तो अगले 5 साल में इसका दुगना बनेगा। क्यों इसका दुगना क्यों बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जब शुरुआती क्लास स्टार्ट की थी तब बताया था मैंने कि अब ये जो आगे के लिए क्या बनेगा, ये मूलधन बन जाएगा। क्या बनेगा, मूलधन। ये 5 साल बाद का मिश्रधन है। अब अगर अगले 5 साल की बात करेंगे तो अब ये क्या बनेगा, मूलधन बनेगा। मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर ये मिश्रधन है तो आगे के लिए क्या बनेगा भाई, मूलधन। यानी कि अब इस 24,000 का दुगना हो जाएगा 48,000। अब मैं पूछूं अगले 5 साल के लिए, तो अब ये मूलधन बन जाएगा, 48,000 का डबल हो जाएगा 96,000। अब मैं अगर अगले 5 साल की बात करूं तो इस 96,000 का डबल हो जाएगा 192,000। यानी कि 5 और 5 10 और 5 साल, ये 15 और 5 साल, ये कितने हो गए टोटल साल, 20 साल। यानी 20 साल में आपके मिलने वाली राशि कितनी है, 1,92,000।
आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि हाँ, तो 20 साल था तो मैंने इस तरीके से कर लिया, अगर टाइम दे देता ज़्यादा फिर किस तरीके से करता, क्या मैं इसी तरीके से करता रहता? मान लो 100 साल दे देता, 200 साल दे देता, 500 साल दे देता, तब क्या मैं इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता? नहीं भाई, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ गया? 1,92,000 समझ आया, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? दीदो किस तरीके से करते हैं, मुझे नहीं पता धनराशि कितनी। यहाँ धनराशि दे रखी है, कभी कभी क्वेश्चन धनराशि नहीं देता, सीधा सीधा पूछता है कि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, जो भी टाइम है इतने टाइम में कितना गुना हो जाएगा। तो देखना किस तरीके से करते हैं। सो जैसे मैंने बोला, कोई धन था आपका एक, क्या था? एक, और वो 5 साल में कितना हो जाता? 2 गुना हो जाता है। तो एक का 2 गुना कितना होगा? 2 होगा। लिख दिया मैंने, ये मूलधन है मेरा, प्रिंसिपल है मेरा, अमाउंट है, ठीक है। अब ये पूछा है 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, देखना 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कोई धन है 5 साल में दुगुना होता है, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो देखना क्या करूँगा, ये जो 20 वर्ष है इसमें क्या करूँगा, कितने साल में हो रहा था? 5 साल में। इस 5 साल का कर दो डिवाइड, यानी यहाँ कितना आएगा? 4। अब इस 4 का क्या करूँगा, कितना गुना हो रहा था? कितना गुना हो रहा था? दुगुना हो रहा था। इस जितना भी गुना हो भाग देने के बाद उसकी क्या बना देंगे? घात बना देंगे, पावर बना देंगे, यानी 2 की घात 4, यानी 2 की घात 4 को सॉल्व करेंगे कितना? 16। यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 गुना। कितने साल में? 20 वर्ष। देखना कितना था राशि? 12,000 था। 12,000 का यानी कि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो देखना 12,000 में 16 गुना जब करेंगे तो कितना आएगा? 000 और 16 × 32, 16 × 3 = 19, यानी कि 1,92,000। देखना सेम आंसर है कि नहीं। तो अब आपकी इच्छा है, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1,92,000 आपका आंसर आ गया। अब आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कौन सा है? 5। ज्योति 50,000 का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितने जमा किए? 50,000 का निवेश किया उसने, 50,000 उसकी राशि है, और उसकी जो दर दे रखी है वो कितनी है? 5%। कब पूछ रहा है वो? 2 वर्ष के अंत में है उसके क्रेडिट में पड़ी राशि। इसका मतलब क्या है? मिश्रधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। उसके क्रेडिट में कितनी राशि हो जाएगी, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन। किस तरीके से? देखना इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे सॉल्व करना, पर आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, क्योंकि मैं दोनों ही तरीके यूज करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वहाँ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जिससे मुझे आसानी होती है। तो ठीक है, आपको भी दोनों तरीके आने चाहिए। देखना इस 5% को मैं चेंज करूँगा भिन्न के रूप में, तो कितना हो जाएगा? 1/20। ये मैंने क्या बताया था आपको? ऊपर बनती है ब्याज और नीचे क्या बनता है? मूलधन। यानी अगर आपसे पूछूं मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 1 साल बाद, तो कितना बनेगा? 20 मूलधन है, ब्याज कितनी? 1। यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 21। यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकला, प्रिंसिपल और अमाउंट का कितना? 20 और 21। अब आपको क्या करना है? टाइम कितना दे रखा है इसमें? 2 साल था ना, शायद 2 साल ही था, दूसरे वर्ष के अंत में। हाँ, कितना? 2 साल है। अब ये यहाँ से मैंने क्या निकाला? मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। टाइम जितना भी दे रखा है उससे इनकी क्या बना दो? पावर बना दो, घात बना दो, यानी 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। क्या निकला है? ये 2 वर्ष बाद का मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, यानी मिश्रधन बन जाएगा 441, मूलधन आपका 400। अब आप देखना क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे रखा कितना? 50,000। इस मूलधन की मूलधन से तुलना कर दो, यानी कि इस 400 की वैल्यू बन जाएगी आपकी कितनी? 50,000। आप यहां से निकाल लीजिए 1 की वैल्यू, 50,000 होगा, ठीक है। 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 50,000 अपॉन कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये निकलेगा 125। इस 1 की वैल्यू जो निकली 125, क्या पूछा उसने? मिश्रधन पूछा है 2 साल बाद का, तो 2 साल बाद का क्या? 441। इस 441 में 125 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो एक तो तरीका आपका ये, दूसरा तरीका देखना आप यहाँ से किस तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर देख लेना, जो भी आता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 का 125 में, ठीक है, जो भी आए। अब देखना आप दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का। जैसे 50,000 मूलधन है, मैंने लिख दिया 50,000 मूलधन, ठीक है, 50,000, ठीक है। अब 2 साल टाइम दे रखा है,
तो दो टांगे में नीचे खींच देता हूँ, तीन साल तीन चार है तो चार जो भी दे रखा, दो दो रखे दो मैंने नीचे बना दिए, दर कितनी दे रखी 5%। अब मैं इस 5% को भिन्न के रूप में बदला तो कितना आया 1/20 आया। तो मैं इस क्या करूँगा, इस 50,000 का 1/20 निकाल दूंगा, यहाँ भी 1/20 1/20 क्योंकि दर तो भाई समान ही 5% है। तो इस 50,000 का 1/20 निकालो, इस 50,000 का 1/20 निकालो, इस 50,000 का जब आप 1/20 निकालेंगे, देखना भाई आपसे सबसे आता होगा ना, ये तो 50,000 का 1/20 एक जीरो और आएगा, 50,000 का लो से 1/20 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 से कटेगा 2500, यानी 1/20 कितना हो जाएगा 2500। तो देखो ये सब करने जो दें, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 5000 दो का भाग लाएं कितना 2500, इसी तरीके से ये भी 2500 हो जाएगा क्योंकि सेम ही तो है भाई, ऐसा थोड़ी इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, 50,000 का 1/20 2500, तो यहाँ भी 2500 आएगा। और ये जो निकल के आता है, ये क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है, ये जो आपका जो निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखना ये मेथड बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं और यहाँ से नहीं दे सकते, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और क्या क्या यहाँ से जवाब बन सकते हैं, सारी चीज़ों को बताऊंगा, बस ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये मैंने क्या बताया था आपको, क्या बनाए, ये निकलेगा हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अगर 3 साल होते तीनों साल का क्या होता, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने तो बताया था सिंपल इंटरेस्ट कैसा होता, सेम होता, 2500 2500 कितने भी साल हो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो पहले साल का ब्याज कितना आया 2500, इस पर भी ब्याज लिया जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। तो बताना इस 2500 का दर कितनी थी 5%, और 5% का मतलब क्या है 1/20, यानी इस 2500 का 1/20 और निकाल लीजिए, 2500 1/20 जब निकालूंगा तो देखना जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस 250 में 2 से भाग लाएं कितना आ जाएगा 125, यानी 2500 पर ब्याज क्या बन गया 125। अब ये अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2500, और 2500 कितना 5000, और ये कितना 125, यानी कि 5125 क्या आया आपका, 5125 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पूछा, मिश्रधन पूछा है, मूलधन कितना था 50,000, ब्याज कितनी आई 5125। सो मिश्रधन कितना बन जाएगा अमाउंट, इस 50,000 में कितना ऐड कर देंगे भाई, 50,000 में कितना है 5125, यानी कि कितना हो जाएगा 55,125। अब आप कह रहे हो हमें तो तरीका ये अच्छा लग रहा था, यहीं कहीं सॉल्व हो रहा था, ये भले ही आपको हार्ड लग रहा है अभी, लेकिन बहुत सिंपल है इस तरीके को, समझ लीजिए 3 साल का आएगा वहीं बताऊँगा किस तरीके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको परेशान करेगा, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा आपसे ये मेथड नहीं आना चाहिए, ये भी आपसे मेथड आना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व मैं करूँगा, कब, जब मुझे लगता है कि इससे आसानी से हो जाएगा तो इससे करूँगा, और इससे आसानी से होगा तो इससे करूँगा, ठीक है। तो ये मेथड आपको सीखना और ये भी सीखना, आपको दोनों ही सीखने हैं और दोनों ही मैं यूज करूँगा, कौन सा कहाँ करना कौन सा कहाँ करना आपको बता दूंगा। ये जो मेथड यूज करना है आपको सिर्फ कब करना है, या तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछी हो, या मिश्रधन पूछा हो, या फिर मूलधन दे रखा हो, 3 चीज़ें होंगी, मूलधन मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, इन तीनों में से एक दे देगा उसके बाद आपसे कुछ पूछ लेगा। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, यहाँ से आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, और इसकी क्लास मैंने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के एस डी यादव के नहीं थे, वो अलग से जो पढ़ाया तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और इसका मैं जो है पिछले वाली वीडियो का कंपाउंड इंटरेस्ट का उसका प्ले इस पर डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया 55,125, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 55,125, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा है, कोई से भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर दोनों ही तरीके आपसे आने चाहिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 6, दो घबराओ मत कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर दी, क्वेश्चन तो ज़्यादा कराए नहीं भाई, वीडियो से मत टाइम से मत घबराओ, ठीक है, टाइम तो आप खुद मैनेज कर लोगे जब सीख जाओगे तब, ठीक है, पहले अच्छे तरीके से समझ लो चीज़ों। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखना बहुत ही सिंपल है, जो मैं दूसरा मेथड बताया तो उसी से करूँगा, मूलधन तो मुझे पता नहीं भाई,
मूलधन नहीं पता, ऊपर मूलधन लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या आता भाई, क्या बताया था मैंने, यहाँ क्या आता है सिंपल इंटरेस्ट आता है, चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो बताना दो वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, दो साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 100 रुपये है। तो बताना एक साल का कितना होगा भाई सिंपल इंटरेस्ट, भाई 2 का भाग लगा देंगे 100 में, यानी कि 50 रुपये। यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरा चेंज नहीं होता, यानी कि 50 ही आएगा। मैंने क्या बताया था, यही तो बताया था भाई कि यहाँ पर साधारण ब्याज आती है, मैं लिख दिया 2 साल का कितना होगा 50 प्लस 50 कितना होगा 100। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस 50 पर भी ब्याज लेगा। और दर कितनी दे रखी है भाई, दर दे रखी है इसने 10%, यानी इस 50 पर भी ब्याज लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले साल का ब्याज कहाँ जुड़ेगा, दूसरे साल में ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस 50 का भाई ये 10% आएगा, यहाँ भी 10%, या फिर 10% को बदल के लिख सकता हूँ भिन्न के रूप में कितना, 1/10। बात तो एक ही है, 10% या 1/10 दोनों बराबर तो हैं, चाहे इसका 10% निकालूँ 1/10 निकालूँ। तो बताना 50 का 1/10 निकालूँ या 10% निकालूँ, क्या आएगा 50 का 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज और इस सारी चीज़ों को जोड़ दो, 50 और 50 100 और 5 कितना कितना हो जाएगा भाई, 50 और 50 100 और 5 कितना 105 रुपये। ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो इस पे जो ब्याज मिला वो कहाँ जुड़ेगा, दूसरे वर्ष में, कितना मिलेगा 5 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा 105, यानी कि आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखना क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 225 रुपये, 3 साल का साधारण ब्याज है, यानी कि 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 225। तो बताना 1 साल का यहाँ से मैं अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछो तो कितना होगा, 3 का भाग लगा देंगे कितना होगा 75 रुपीज, ठीक है। आगे इसने बोला उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दो साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है CI, वो कितना 153 रुपीज। तो क्या पूछा क्वेश्चन ने, निवेश किया गया मूलधन रुपये में। अब देखना यहाँ मूलधन पूछा है, मैं आपको यहाँ से दर भी निकालना बताऊंगा, दर कैसे निकलती है सारी चीज़ें, कौन से मेथड से, जो अभी हमने किया। देखा यहाँ ब्याज कितना आया भाई, 75 आया, 1 साल का साधारण ब्याज, कितने साल का दे रखा, 3 साल का, और चक्रवृद्धि ब्याज कितने का, 2 साल का। तो देखना यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, मूलधन लिखता हूँ, उसका 3 साल है तो 3 बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक साल का ब्याज कितना आया, 75 रुपये साधारण ब्याज, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75, देखना तीनों को जोड़ोगे 225 आएगा नहीं आएगा, आएगा, ये क्या मेरा साधारण ब्याज। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल कितना है, 153। तो बताना इससे कोई मतलब है, 2 साल की बात कर रहा है तो इससे तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, 2 साल की बात कर रहा है तो सिर्फ कंपाउंड 2 साल का चाहिए तो इससे तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 153। देखना साधारण ब्याज कितना है 75 और 75 कितना 150, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मैंने क्या बताई थी आपको, इस पर भी ब्याज लिया जाएगा, इसका ब्याज कहाँ लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा दूसरे वर्ष में। तो बताना 153 टोटल है और 75 और 75 हो गए 150, तो ब्याज कितना आएगा 153 में से और 150 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3, यानी इस 75 पर जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 3, तभी तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज 153 बनेगा, 75 150 3 कितना 153। आपसे पूछा मूलधन, आप परेशान ना हो, ये जो 75 का जो ब्याज आया वो कितना आया 3 आया, तो कितना प्रतिशत है मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, 75 का कितना प्रतिशत भाई, दर का ही तो निकालता हूँ, यहाँ दर ही तो लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ दर, जो भी होता है उस दर का जितना ही परसेंट होता है उसे निकाल के लिख देता हूँ। तो 75 का R% बराबर कितना 3, तो देखना 75 × R/100 और बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 से कट जाएगा ये 25 बार और 25 से कटेगा 4 बार, यानी आप यहाँ से देखेंगे R = 4 इधर पहुँच जाएगा 4%, यानी कि दर निकली 4%, ठीक है, कितनी 4%, यानी कि ये जो 75 है मूलधन का कितना परसेंट है 4%, मूलधन का कितना प्रिंसिपल का 4% क्या है 75, यानी कि 75, तो दर बराबर निकाल दो भाई, ये प्रतिशत हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, और ये 75 × 100 और डिवाइड बाई 4, 400 हो जाएगा 25, इस मूलधन का गुणा कर दो, 75 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 25×5 125, और 25×7 कितने होते भाई 175, 175×12 कितने हो जाएंगे 187, यानी कि 1875 आपका आया मूलधन। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ से दर भी निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको निकाला 4%, और आपका यहाँ से मूलधन भी निकला है। आपके क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाता है आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, आपका आंसर हो जाएगा किधर गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1875, ठीक है। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 8, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है 270.40। तो बताओ ये 270.40 जो दे रखा है क्या है, मूलधन है, मिश्रधन है या ब्याज है भाई। कोई धन है वो 2 वर्षों में इतना हो जाता है, इसका मतलब है ये क्या है, मिश्र धन है 270.40। तो वह मूलधन, तो यानी प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। समय कितना दे रखा है भाई, 2 साल दे रखा है, और आपकी जो दर है, आपकी जो दर है वो कितनी दे रखी है 4%, ठीक है। तो अब मिश्र धन दे रखा है 270.40, 270.40। क्या पूछा है इसने, मूलधन पूछा है। तो देखना, अब मैंने आपको दो तरीके बताए थे, इस मूलधन को या तो बदल लीजिए, जैसे 4% है, 4% को जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/25, यानी आपकी ये क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा ये 25 है, और अमाउंट कितना बन जाएगा 26, मूलधन 25 और मिश्रधन कितना 26, कहाँ से, यहाँ से, यानी 1 की वैल्यू 1 सॉरी ऐड कर देंगे मूलधन में, तो क्या हो जाएगा मिश्रधन। अब कितना 2 साल है, तो क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो 25 का स्क्वायर कितना 625, और इस 26 का स्क्वायर कितना 676। आपके दिमाग में आ रहा होगा हम तो उस मेथड से करते, उस मेथड से भी होगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी, उस मेथड से भी होगा आप बिल्कुल परेशान हो, बताऊँगा किस तरीके से सॉल्व होगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है, उस मेथड से ही बताऊंगा, वीडियो लंबी होने तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये मूलधन बना 625, मिश्रधन बना 676, कब, 2 वर्ष बाद। तो देखना अब क्वेश्चन के अंदर मिश्रधन दे रखा है, जो भी दे रखा है उससे तुलना कर दो, मिश्रधन दिया 270, ये मिश्रधन कितना 676, यानी इस 676 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 270.40। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल दो, 270.40 अपॉन कितना हो जाएगा 676। क्या निकालना है, मूलधन पूछा है, यानी कि 625 की वैल्यू चाहिए, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मूलधन पूछा है तो 625 में 270.40 अपॉन 676 इंटू कितना, मूलधन कितना 625, इस 625 में गुणा कर दो, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। तो देखना इस पॉइंट के बाद 40 है, तो इसे 0 हटा दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, मैंने बताया था पॉइंट के बाद संख्या, उसके बाद फिर कितने भी 0 हैं उसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। आप देखने कट जाएगा किसी से, कट जाना चाहिए, ये 4 से कट जाएगा, ये पूरा पूरा 4×6=24, ठीक है, ये पूरा 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखना इस, चलो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4×5=20, इधर लिख देता हूँ, 4 का इसमें गुणा करेंगे 625, 4×5=20, 4×2=8, और 2×10, और 4×6=24, और 1×25, 2500/10, ये 0 0 कट जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 250 मूलधन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखना इस काले क्वेश्चन को दूसरे वाले तरीके से कैसे करते हैं, वो उस तरीके से भी हो जाएगा। देखना आप कह रहे हो इससे कर दिया, ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर मूलधन पूछा है, ठीक है, मूलधन पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से इस दर को बदल लेंगे, सबसे पहले 4% को कितना हो जाएगा 1/25, कितना हो जाएगा 1/25। अब ये क्या बना भाई, ये आपका मैंने क्या बताया था, ये ब्याज बनता है, और नीचे क्या बनता है, ये मूलधन। अब आपको क्या करना है, मूलधन मुझे ज्ञात करना है, तो अब मूलधन ज्ञात करना है, तो ये जो 25 जो दे रखा है, जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम है उस टाइम के क्या बनाते हैं घात, यानी 25 दो साल था, 2 घात लगा दूंगा, 25 का स्क्वायर कितना 625, यानी आपका जो मूलधन बनेगा वो बनेगा 625, यानी कि 625 मूलधन, उसके बाद 2 साल है, 2 टांग बना देता हूँ, उसके बाद दर कितनी है 4%, और 4% को बदल कितना 1/25, तो इस आप 625 का 1/25 जब निकालेंगे, 625 का 1/25 जब निकालेंगे तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, यानी कि 625 का 1/25 निकालें या फिर 4% निकालें वो कितना आएगा 25 आएगा,
ये भी 1/25 निकालूंगा तो ये भी कितना आएगा, 25 ही आएगा भाई, कितना आएगा 25। अब क्या करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यानी ब्याज पर भी ब्याज लूंगा, ब्याज कितनी 25, ये क्या निकलता है, ये सिंपल इंटरेस्ट निकलती है, मुझे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करता हूँ ब्याज पर भी ब्याज लेना पड़ेगा, यानी इस 25 पर जो ब्याज लूंगा वो कितना 1/25, तो 25 का 1/25 जब निकालेंगे तो 25 से 25 के अंदर कितना आएगा 1, 25 का 1/25 कितना आएगा 1, और मैंने बताया था ये सारा क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, 25 और 25 50 और एक कितना 51, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बना 51। आपको क्वेश्चन के अंदर मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है, तो बताना मिश्रधन कैसे होगा भाई, मूलधन 625 प्लस ब्याज कितनी 51, और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका निकलेगा 676, ये किसकी वैल्यू है भाई मिश्रधन की। अब देखो क्वेश्चन सेम बनेगा, जिस तरीके से हम पिछला वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो ये थोड़ा सा इस वाले मेथड से थोड़ा सा लंबा है, पर कोई दिक्कत नहीं, उससे कर दिया हमने, वहाँ से आसान हो रहा था, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, देखो ये भी ज़्यादा लंबा नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसे भी आप फटाफट से लिख देंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस 676 की वैल्यू कितनी आई थी, 676 की वैल्यू थी 270.40 थी, यहाँ से वन की वैल्यू निकालने, वन की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, पिछले वाला प्रोसेस कर देंगे सेम फिर, तो ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है भाई, ये कहता है वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 1331। तो देखना इस 10% को भिन्न के रूप में जब बदलूंगा, भिन्न के रूप में बदलूंगा कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि ये ब्याज है ये मूलधन है, यानी कि अमाउंट या फिर बोलूँ प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा, मूलधन कितना 10 और ब्याज एक जुड़ जाएगा मूलधन में, तो क्या बन जाएगा मिश्रधन यानी 11। कितना साल दे रखा 3 साल, तो मैंने बताया जो भी टाइम होता है उसके घात लगाए थे। अब बताना 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा और 11 क्यूब कितना होगा 1331, यानी ये जो मूलधन में समय बनेगा कब बनेगा 3 साल बाद का। क्वेश्चन पूछा है अच्छा वार्षिक रूप से संयोजित कितनी धनराशि, यानी मूलधन पूछा है और मिश्रधन दे रखा 13310, यहाँ मिश्रधन कितना 1331, इसकी वैल्यू दे रखी है 13310, यहाँ से अब बन की वैल्यू निकालेंगे कितनी निकलेगी 10, इसका भाग लगा देंगे कितना आएगा 10 आएगा। अब इस 10 के गुणा कहाँ कर देंगे, इसमें कर देंगे क्योंकि मूलधन पूछा है, 1000 में जब आप 10 का गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 10000, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब अगर आप उस मेथड से करेंगे उससे भी हो जाएगा, अब आप कह रहे हो आपने 2 साल का बताया 3 साल का नहीं बताया, तो आप परेशान ना हो, 3 साल के बताऊंगा 2 साल का सब बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक है। इकलौता क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, तो अभी इसे यहीं ऐसे ही रहने दो, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 10, दो वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 328, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है, तो अब दर कितनी दे रखी है 5%, कितनी 5%, इस 5% को बदलूंगा कितना हो जाएगा 1/20। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को इससे नहीं करूंगा 20 और 21 से, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं साधारण ब्याज नहीं निकाल सकता, यहाँ से मैं सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकता हूँ, मूलधन निकाल सकता हूँ, मिश्रधन। तो अब इस मेथड को इस वाले क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करूँगा, किससे करूँगा, मूलधन तो भाई दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, नहीं दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, साधारण ब्याज पूछा है, तो देखो मूलधन निकालने की आपको आवश्यकता भी नहीं, बिना मूलधन निकाले ही आप जो है साधारण ब्याज निकालने, कैसे, जब मुझे मूलधन नहीं पता होता तो मैं क्या करता हूँ इस 20 का क्या कर दूंगा भाई, कितना टाइम है, यही तो ब्याज होता है ऊपर वाला नीचे वाला मूलधन, जो भी टाइम होता है उसकी घात लगा देता, 2 साल है 2 लगा दूंगा, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यानी ये तुम्हारा क्या बन जाएगा मूलधन। अब 2 साल है 2 टांगे बना दूंगा नीचे, 400 का क्या निकालना है मुझे 5% बोलूँ या फिर 1/20, तो 400 का 1/20 और 1/20, तो देखना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/20 20 हो जाएगा भाई 400 का, यहाँ 0 0 कैंसिल, 2 का भाग 4 से आएगा ये भी 20 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है भाई, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज आया 20, यानी इस 20 का 1/20 और निकालना पड़ेगा, तो कितना 20 से 20 कट जाएगा कितना 1, यानी ये सारा का सारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 20 और 20 40 और एक कितना 41, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कितना 328 चक्रवृद्धि ब्याज, इस 41 की वैल्यू बना दूंगा, इधर लिख देता हूँ 41 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 328, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, इस 41 का भाग लगा दो 328 में 1 की वैल्यू बनेगी कितनी 8। अब क्वेश्चन
पाकिस्तान के अंदर जो भी पूछा वहाँ रख दो आप। क्वेश्चन का पूछा है साधारण ब्याज, तो बताना साधारण ब्याज कितना है भाई। साधारण ब्याज है 20 और 20 कितना 40। साधारण कितना 20 और 20 कितना है 40 साधारण ब्याज है भाई। मैंने क्या बताया था, ये ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या होता है साधारण ब्याज, इसके बाद नीचे वाला भी अगर ऐड कर दें क्या बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक की वैल्यू 40 सॉरी 8, तो 40 की वैल्यू कितनी 8 गुणा कर देंगे, 40 का 8 में करेंगे 320। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर मूलधन कितना, तो इस 8 का गुणा इस 400 में कर दो, आपका यहाँ से निकल आया क्या मूलधन निकल आया। और साधारण ब्याज पूछा 20 और 20 40, 40 में गुणा कर दे किसका 8 का, तो यहाँ से क्या निकला आपका साधारण ब्याज। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता बताना दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो पहले साल का 20 आया, दूसरे साल का कितना है 20 और एक 21, यहाँ से दूसरे वर्ष का 8 का 8 एकम 8, 8 दोनों 16, यहाँ से आपको दूसरे साल का क्या निकला है चक्रवृद्धि ब्याज निकला। तो यहाँ से आप सब कुछ भी दे सकते हैं, हर किसी का आंसर दे सकते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। तो अभी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 320 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आज इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आपको इसमें कहीं भी दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर हमें इस वाले क्वेश्चन पर जो है ये दिक्कत हुई है, तो आगे वाली वीडियो में आपको जो है इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।